दोस्तों क्रिकेट में हर एक बॉलर अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन के चलते जाना जाते हैं, और आज हम आपको कुछ ऐसे ही बॉलर से मिलाएंगे जिनका बॉलिंग एक्शन इतना अजीब है कि इनके बॉलिंग एक्शन को दूसरा और कोई नहीं कॉपी कर सकता है, और इनके बॉलिंग को देखकर आपका हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट जगत के सबसे अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक ठोकर सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ दो। नंबर 7 केविन कोथिगोड़ा। श्रीलंका के छोटे से उनातुना शहर से बिलोंग करने वाला लेग स्पिनर गेंदबाज केविन कोथिगोड़ा को पहली बार क्रिकेट जगत में साल 2018 के अंडर 19 एशिया कप के दौरान नोटिस किया गया था। उस समय इनके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन के चलते ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। केविन कोथिगोड़ा गेंदबाजी करते समय बैट्समैन को देखते ही नहीं है। केविन कोथिगोड़ा अभी तक कुल 19 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें इनको 11 विकेट हासिल हुआ है। नंबर 6 शिवा सिंह। दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले शिवा सिंह अपने 360 डिग्री बॉलिंग के चलते काफी सुर्खियों में थे। इन्होंने ये बॉलिंग एक्शन किसी डोमेस्टिक क्रिकेट मैच के दौरान किया था। शिवा सिंह वही बॉलर है जिनको ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाया था। शिवा सिंह ने एक ओवर में कुल 42 रन खर्च किए थे जो कि शायद अभी तक के सबसे महंगा ओवर था। नंबर 5 लसित मलिंगा। अगर बात हो रहा हो अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन की तो आप लसित मलिंगा को उस लिस्ट से दूर नहीं रख सकते हैं। ये श्रीलंकन गेंदबाज अपने अजीब बॉलिंग एक्शन और सटीक यॉर्कर के चलते पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। लसित मलिंगा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के इतिहास के सबसे ज्यादा खतरनाक तेज गेंदबाज थे। इनके स्लिंगी एक्शन के चलते बैट्समैन को बॉल खेलने में काफी दिक्कत होता था, इसीलिए तो ये एकमात्र ऐसा बॉलर है जिन्होंने T20 में 100 विकेट्स के आंकड़ा को पार किया हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लसित मलिंगा 6 के 6 बॉल यॉर्कर डालने की क्षमता रखता है। नंबर 4 पॉल एडम्स। न्यूजीलैंड के पॉल एडम्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन रखने वाले में से एक थे। बाएं हाथ के स्पिनर पॉल एडम्स गेंद फेंकते समय अपने बॉडी को पूरा बेंड कर लेते थे। 1996 में पेप्सी शारजाह कप में भारत के खिलाफ 30 रन देकर 3 विकेट लेने का इनका स्पेल इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में सर्वश्रेष्ठ स्पेल में से एक थे। पॉल एडम्स ने प्रोटियाज के लिए 69 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर कुल 163 विकेट हासिल किया था। नंबर 3 जसप्रीत बुमराह। इंडियन क्रिकेट टीम के करंट प्राइम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का भी बॉलिंग एक्शन काफी अजीब है। फास्ट बॉलर का इस तरह के बॉलिंग एक्शन शायद ही कभी क्रिकेट जगत में किसी ने देखा हो। जसप्रीत बुमराह को इस तरह के बॉलिंग एक्शन के मदद से यॉर्कर लेंथ गेंद फेंकने में काफी महारत हासिल है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह अभी भी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज में से एक है। नंबर 2 पेबल फ्लोरिन। पेबल फ्लोरिन का ये अजीब बॉलिंग देखकर आपका हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेगा। इनका ये बॉलिंग एक्शन को पहली बार किसी घरेलू क्रिकेट मैच में देखा गया था। आप देख ही सकते हो कि पेबल फ्लोरिन कितने अजीब और फनी तरीके से बॉलिंग कर रहा है। Like this. नंबर 1 सिविल कौशिक। पॉल एडम्स की तरह एक भारतीय गेंदबाज ने आईपीएल में अपने असामान्य बॉलिंग एक्शन से सबका ध्यान खींचा था। सिविल कौशिक पहली बार आईपीएल में 2017 में गुजरात लायन की तरफ से खेलते दिखे थे। तब सिविल कौशिक अपने अजीब गेंदबाजी के चलते काफी सुर्खियों में थे। बॉलिंग करते समय इनका बॉडी पूरा बेंड हो जाता है और इनका सिर ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद भी बिना बैट्समैन को देखे ये बॉल करा लेता है, जो कि सच में काफी अजीब है। तो दोस्तों इन सब में से कौन सा बॉलर का बॉलिंग एक्शन आपको सबसे अजीब और फनी लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।